الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास वर्दा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अग्नन नास। क्या अजीब हदीस। वहसिन इला जारी का तकुन मोमिनन। मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो हराम से बच जाता है ये सबसे बड़ी अब्दियत है। हज़रत गंगोई ने भी फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने, फ़राइज़ का एहतमाम करे हराम से बच जाए विलायत कुबरा है। और ये जो हदीस अभी आई ना, इसमें हम मुब्तला हैं। देखो मेरे सामने वो जुज़ आया फरमाया तुम राज़ी हो जाओ जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है, अगर तुम राज़ी हो जाओ उस पर तुम सबसे ज़्यादा लोगों में गनी हो जाओ। हम राज़ी नहीं हैं, जितना अल्लाह दे रहे हैं उस पर खुश नहीं, और चाहते हैं और चाहते हैं। तो शिकायत करते रहते हैं, यार भाई कमाई नहीं हो रही है, पहले क्या हो रही है लेकिन फिर भी बोलेगा मज़ा नहीं आ रहा है। पहले एक के 10 बना लेते थे, अब एक का 2 बनाना पड़ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा। जो दिया उस पर राज़ी नहीं, शिकायत की कैफियत। इस मुझे मौलाना एक बात अर्ज करनी है। हुजूर सस्म की आदत मुबारक ये थी, कारी तैयब साहब फरमाते थे सहाबा भी वो चीज़ पूछते थे जिस पर अमल करना होता था, हुजूर भी इतनी बात करते थे कि तुम अमल कर लो तो बन जाओगे। अब ये इतना अजीब जुमला है, पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजरा अगर इस पर अमल हो जाए, भाई जो अल्लाह ने दिया इस पर मैं राज़ी हूँ। अब इस पर राज़ी नहीं होगा तो लोगों पर निगाह डालेगा, फ़कीर बनेगा, होने के बावजूद लोगों से सवाल करेगा तो उसका फ़ख्र का दरवाज़ा अल्लाह खोल देते हैं। फ़ख्र का दरवाज़ा मौजूद है फिर मांग रहा है फ़ख्र। और अगर जो जो दिया उस पर राज़ी है पर वही नहीं। इतना बड़ा नुस्खा है, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक दे। और सबसे मुश्किल काम जो है ना, पड़ोसी के साथ अच्छाई करना, क्योंकि रोज़ाना का मसला है। हुज़ूर ने पना भी मांगा ऐसे पड़ोस से, और मैं तुम मोमिन हो जाओ। लोगों से तो अच्छा ही करना, 2-4 मिनट के लिए मिल रहा है सलाम कर, वो तो रोज़ाना का मसला है। कभी कचरा फेंक रहा है, कभी घर के सामने शोर मचा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पानी बंद कर रहा है, कभी बिजली को चोरी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सब्र कर। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम मोमिन हो। बस ये है वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग्नन नास। मुझे असल में एक बात अर्ज करनी वो ये है, सहाबा इकराम सुनते थे और हुजूर सल्लम को देखते थे, फौरन अमल करते थे और फौरन पहुंचाते थे। समेना व आताना, हाँ। और यहूद ने कह दिया समेना व आसैना, हम कहते हैं समेना व नसीना, सुना और भूल गए, इस मस्जिद से निकले और भूल गए क्या कहा। तो हमारा इल्म यहाँ से बाहर तक नहीं जाता। इसको आज हल कीजिए। एक तो हमको बैठना अदब से नहीं आता, मौलाना हदीस का दर्स न दीजिए मस्जिद में, पहले अदब सिखाइए हमें। मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जब मैंने तिर्मिज़ी को देखा ना तो मैं कांप गया, आपके हुक्म की वजह से पढ़ रहा हूँ, वरना ये किताब देखकर मैं डर गया। क्यों डरा? इस किताब को हमारे मुफ्ती वली हसन साहब पढ़ाते थे, हम इस काबिल नहीं हैं कि ये, हालांकि हदीस पढ़ी हमने और लोगों को बयान भी करते हैं, लेकिन तिर्मिज़ी की हदीस सामने आई ना काम किया मैं। मैंने कहा या अल्लाह हम कहाँ और ये किताब कहाँ। इस किताब को पढ़ाने वाले तो हजरत मुफ्ती वली हसन साहब थे बड़े उलमा होते थे ये पढ़ाने वाले। एक बात। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है, हमसे उन्होंने ये कहा सल अल्लाह,
कि सहाबा इकराम को सोबत हकीकी हासिल थी। हुजूर अकदस का चेहरा अनवर देखते थे, हुजूर के फरमान को जो मिशकात नबूवत से जो नूर निकलता था उसको सुनते थे दिल की तस्दीक से, तो उनके अंदर नूर मुंतकिल होता था और तस्दीक मुंतकिल होती थी, फौरन वो अमल पे डालती थी, फौरन पहुँचाने वाले बनाते थे। और तुम्हें सोबत हकीकी हासिल नहीं, तुम हुजूर को नहीं देख रहे हो, हुजूर के फरमान को सुन रहे हो। फरमाया तुम ऐसे अदब करो जैसे सहाबा ने हुजूर का अदब किया। इस तरह कभी ना बैठिएगा तालीम में, करीब आकर बैठें, ये हुजूर का तरीका। हदीस में जो हलके के दरमियान हो उसको जन्नत के बीच में जगह मिलेगा, और जो हलके से हया करे खुदा उससे हया करते हैं, और जो हलके से एराज करे, हदीस माता बुखारी की हदीस है, खुदा उससे एराज करते हैं। कान में सुनने का मसला नहीं, ज़िंदगी बदलना है इस मजलिस में, ऐसे बैठना जैसे सहाबा बैठते थे, बस ज़िंदगी पलट जाएगी। देखो मैंने थोड़ी तरगीब दी, लोग करीब आ गए, ईमान वाले हैं ना, मैंने थोड़ी सी बात की एकदम आ गए। अभी अल्लाह के यहाँ लिखा गया, ये कदम जो हिले हैं इस हदीस को सुनकर लिखा गया, इस पर अमल हुआ। हम हमेशा ऐसे ही बैठो भाई, कोई भी बात करने वाला हो, हमें बात करने वाले से वास्ता नहीं, किसकी बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, इसको सुनना। एक बात तो ये, दूसरी बात मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम मुनाफिक हुजूर की मजलिस में होते थे, सहाबा भी होते थे, तो हुजूर जब फरमाते थे तो मुनाफिक सुनते तो थे, अंदर से झुटलाते थे, हुजूर की मजलिस में झुटलाते थे, अल्लाह बचाए, और फिर सुस्ती होती थी उनको नमाज में, नमाज में सुस्ती, जिक्र में सुस्ती। हम सुनते हैं, हमको भी सुस्ती होती है, सहाबा इसी हदीस को सुनते हैं, उसको शौक़ होता है, क्या मसला है, इसको हल कीजिए। ये मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ, हमेशा के लिए ये करना है। ये कहना भाई इस हदीस को इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सक रहा, बहुत चाहता हूँ इस हदीस पर मैं अमल करूँ, बहुत मुश्किल, इसकी बड़ा कमाल ईमान चाहिए जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। इसलिए रदी तो बिल्ला नहीं कहा, रदी तो बिल्ला रब्बन कहा, मैं हर हाल में राजी हूँ जिस हाल में अल्लाह मुझे पाले। हालांकि रदी तो बिल्ला काफ़ी था, रब्बन क्यों कहा? फ़कर में भी, गिना में भी, सेहत में भी, बीमारी में भी, सफ़र में भी, हजर में भी, तंगी में भी, कुशादगी में भी, मैदान जंग में भी और मस्जिद में भी, मैं हर हाल में अल्लाह से राजी हूँ। तो अल्लाह फरमाते हक़्क़न अल्लाह युर्दीहू, ज़बान से कह रहे रदी तो बिल्ला रब्बो बिल इस्लामी दीना, वो कहते जी मुझे हो गया। अल्लाह कहते मेरे से तो राजी है नहीं, हर एक को मेरी शिकायत कर रहा है कि जी बड़ी तंगी हो रही है, बड़े कर्जे में आ गया है, घर में खाने को नहीं है, और पेट्रोल के लिए गाड़ी में पेट्रोल के लिए नहीं, बड़ा मसला हो रहा है, भाई कुछ करो यार। और सुनो ये हदीस तो छोटी सी है, ये हदीस छोटी नहीं, पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। तो एक बात, मुनाफिक जो हुजूर की मंडली से बैठते थे, अंदर से झुटलाते थे, ऐसे सुनते थे, सुनना ही नहीं है, कुलूब हम मुनकर, ये कुलूब की किस्में कुरान ने बयान की है। मुनाफिक का दिल कैसे है, काफिर का दिल कैसे है, सहाबा का दिल कैसे है, सब सुना है। आगे चलिए, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इतनी तस्दीक के साथ, इतनी तस्दीक से सुनते थे कि जन्नत की खुशबू उनको दुनिया में आ गई, अशुम रायहत जन्नत मिन दुनिया। और फरमाया कानी अरा अर्श रहमान बारिजा, या रसूलल्लाह गोया के मैं अर्श को देख रहा हूँ, जन्नतियों को देख रहा हूँ, जहन्नमियों को देख रहा हूँ, गोया के। इस तस्दीक के बाद अमल की तौफीक हुई। मौलाना सईद खान साहब फरमाते हैं हम भी हदीस सुनते हैं, हुजूर को फरमान को हक मानते हैं अकीदतन, लेकिन ईमान इतना कमज़ोर है, जन्नत की आयतें शौक़ नहीं दिला रही, जहन्नम डरा नहीं रहा। तबलीग में इस मौजू से मौलाना बात होती है कि इस हदीस पर अमल कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ईमान की ज़रूरत है, रज़ा बिल ख़दा तक पहुँचे। हाँ भाई समीउल्लाह तुम गौर से सुनना, हमने रोज़ाना ये बात बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के सामने आ गए, तो आग में तो मौत रखी है अल्लाह ने, हम कहते आग नहीं जा, आग में मौत रखी है अल्लाह ने, अच्छा उन्होंने कह दिया हस्बी अल्लाह, यहाँ आज फरिश्ता उतर गए, तो उन तकब्बुर में नहीं कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
इले अम्मा इले का फला, यानी मैं मोहताज तो हूँ अल्लाह मियाँ का लेकिन तुम्हारे नहीं। तो कहा कुछ मांग लीजिए। फरमा वो हमारे गनी हैं अल्लाह हमारे सवाल से। यहाँ मौलाना मसला है, हालांकि इब्राहिम अलैहि सलाम तो कई मरतबा दुआ मांगी, यहाँ क्या किया? फरमाया इस वक्त रजा बिल कदा के आला मकाम पर थे कि अल्लाह अगर अब आप राजी हैं कि मैं जल जाऊँ, मैं तैयार हूँ, बस अब आप जो चाहें करें। अल्लाह ने आग को हुक्म भेजा, खुलना या नार, खुलना ताबीर बड़ी, हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा सलामती से। आग नहीं जला सकी। हसबुनल्लाह में वो ताकत है जो पूरी दुनिया के एटम में नहीं है। हसबुनल्लाह व निअमल वकील लम यमसस्सुहुम सू। हदीस को यकीन से सुनना होगा, तस्दीक से सुनना होगा, फिर जाके हो। आप यहाँ इसको बताइए ये कैफियत कैसे पैदा हो। ईमान बिलगैब के आखिरी मकाम तक पहुँचोगे, तस्दीक के आखिरी मकाम पर पहुँचोगे, फिर ये मकाम मिलेगा कि जो अल्लाह ने दिया मैं उस पर राज़ी हूँ। इसको परवाह नहीं कि लोग क्या करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हदिया दिया, बिल्किस ने भेजा, कहा अंतुम भी हदीयत कुम तफ़रहून, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। वो कहने लगे मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजिर आया, पढ़ा रहे थे हदीस तो कुछ देने के लिए। फरमा भाई ऐसे रद्द किया। वो ताजिर बड़ा अजीब था, दरवाजे पे किया, हजरत की जूती जो थी देहाती जूती थी उसमें वो थैली डाल दी। किसी को पता ही नहीं, उस ज़माने में चोरी का मसला था नहीं, ईमान वाले लोग थे। तो हजरत पढ़ाने के बाद वह जूती के पास आए तो क्या है, वो थैली नजर आई। तमाम तलबा को बुलाया, बोले इधर आओ देखो ये दुनिया को लात मारो तो दुनिया कदमों में आता। सब बच्चों को समझ में आ गया, तमाम पढ़ने वालों में इस्तिग़ना पैदा हो गया, हम भी किसी से मांगेंगे नहीं। एक सबक पढ़ाया उन्होंने, इस मदरसे की बुनियाद इस पर रखी। हमने हजरत बिनोरी को अपने आंखों से देखा, परवाह नहीं करते थे कि तकब्बुर नहीं था, इस्तिग़ना था। तकब्बुर में अपनी बड़ाई सामने होती है और लोगों से बेपरवाही, हक को कबूल नहीं करता। और इस्तिग़ना में अल्लाह की बड़ाई होती है और लोगों से जज़ाक। उन्होंने ख्वाब देखा, मौलाना बिनोरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई शख्स ताजिर कुछ पैसों की थैली लेकर आया। तो उन्होंने मौलाना उज़ैर गुल साहब से कहा, कहाँ भाई बिल्ली को चीचड़े नज़र आते हैं, क्योंकि भूख चल रही थी तलबा की। हजरत खामोश हो गए, दोस्ती तो थी, बड़े लोग थे। तो वो ये वाक़या पेश आया कि ये थैला लेकर आया, तो कहा हजरत वो चीचड़े नज़र आ गया, नज़र आ गया। बोला हाँ, ये तो मैंने भाई समीउल्लाह से सुना कि मौलाना अब्दुल गफूर साहब अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मदरसे में बड़ी मदद की है। कि नहीं, वो कहा करते थे, लोगों को मालूम नहीं है, हैं? क्या फरमाया? उनके यहाँ नहीं तो मुझे मालूम है, किसी को मालूम नहीं। सारा अजर ले जा रहे हैं वो कब्र में, कैसे फ़क्र व फाके से पड़ा है। तो मुझे इस वक्त हदीस की अजमत अर्ज करनी है। अल्लाह का कलाम जब हुजूर सम पे उतरा है हुजूर के दिल पर, हुजूर पे उतरता था तो इतना भारी था कि सिद्दीक अकबर बाज़े मरतबा करीब होते उनको भारीपन महसूस होता था, नस्बत इनकासी की वजह से उलमा ने लिखा। ऊँटी बैठ जाती थी, हमको वो क्यों नहीं मालूम होता। वही तो है और ये वही गैर मतलू है। अल्लाह ने हुदू सम के जबान अथर से कहलवाया, मामूली चीज है। इतना नूर है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम गौर से सुन लें, इसका नूर अंदर आता है, इस जो सुना है इसकी दिल से रोजाना तस्दीक करें, अंदर नूर आएगा, फौरन फिर अमल की तौफीक हो जाएगी। ये जो हम सुनकर अमल नहीं करते ये कयामत में हुज्जत बनेगी कि तुमने अमल नहीं किया। असल में वजह एक ये है, अंदर अभी मैं मुजाकरा कर रहा था मगरिब के बाद, हम थोड़ी देर से इसलिए पहुँचे। मैंने अभी तो इतनी लंबी बात नहीं करनी, लेकिन एक बात अर्ज करनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था दीन सिखाने का। हुजूर ने फरमाया मैं उम्मी हूँ, इसको लगाना ज़रूरी है।
मैं उम्मी हूँ, सब्र करो थोड़ा, मुझे जोर से जरा, मैं उम्मी हूँ, मेरी उम्मत उम्मी है। तालिब इल्म कौन बैठा है? ये बैठा है उम्मी, क्या माने है? कौन और तालिब इल्म कौन है? आप भी? हाँ, क्या उम्मी किसे कहते हैं? अनपढ़। जो अनपढ़ होता है उसको जाहिल बोलेंगे, आलिम बोलेंगे? जल्दी बोलो, लाओ डंडा इसकी पिटाई करें। हुजूर कहते मैं उम्मी हूँ, कहते अनपढ़ बोल रहे हुजूर को, तौबा तौबा, है नहीं है पिटाई के काबिल ये। अभी इस मजलिस में इसलिए पिटाई नहीं हो रही, वहाँ होता तो पिटाई कर देता मैं। ये पिटाई नहीं कर रहा, सबको अर्ज कर रहा हूँ मैं, हम उम्मी के माने से जाहिल हैं। उम्मी कहते हैं जिनके उस्ताद मखलूक नहीं, अल्लाह ने सिखाया। अगर हुजूर को कोई सिखा देता तो हुजूर से अफजल हो जाता। हुजूर की अफजल कोई नहीं है, अल्लाह के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। ठीक है दोस्त, कैसे सिखाया हुजूर को? जैसे अभी हम लोग सीखते ना, हुजूर के दिल पे कुरान को जमाया और जबान पे जारी कर दिया। इन ला तुहर्रिक बी लिसानक लिताजल बी इन अलैना जमअहु कुरान। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी इस आयत पर आए रहमतुल्लाह अलैह, तो कहने गए जैसे क़यामत के कायम करना अल्लाह की कुदरत में, ऐसे हुजूर के दिल में वही को जमा करना अल्लाह कुदरत वाले हैं। रब बयान के, वरना रब समझ में नहीं आता था। हजरत बिनोरी से मैंने, हमारे ज़माने में हजरत बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह दरस कुरान देते थे, हमें उनसे कुरान पढ़ने का मौका मिला। क्या बात, ऐसे नूरानी आदमी था, बहुत नूरानी थे। मुझे बेटा कहते थे, हाँ अल्लाह का शुक्र। भाई इधर कहाँ गया? सुनो गौर से मौलाना, हुजूर उम्मी समझ में आ गया? अब सारे नबियों से ज़्यादा इल्म हो गया, अब सहाबा उम्मी क्या माने? अब मौलाना सईद खान साहब फरमाते, उनको दाई बनाया, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाया पहले दिन से मौलाना। क्योंकि हुजूर पर जब इकरा, इधर उधर क्या देख रहा है? इकरा से नबूवत दी, गौर से सुनना हज़रत। नुबिया बेकरा उर्सिला बिल मुद्दसर, याल मुद्दसर से दावत का काम दिया। शाबाश, बड़ी मेहरबानी, दावत याल मुद्दसर से दावत का काम दिया। दूर रखो, अब हुजूर तो दाई थे ना, अबू बकर सिद्दीक को दावत दी तो मौलाना सईद खान साहब ने कहा, उन्होंने नहीं कहा मेरा क्या काम है, खुद कलमा पढ़ के दाई बन गए। क्यों? मौलाना कलमा अपनी हकीकत के साथ उतरा, कलमे ने दाई बनाया। अब जब दाई बन गए तो 9 आदमी मुसलमान उनकी दावत पर, 6 आशरा मुबशरा में से, और अरकम जो थे 16 साल के थे, उनके वालिद नाबीना थे। उन्होंने अबू जहल के ख़ानदान का था कि मैं तैयार हूँ हुजूर का साथ देने के लिए, अगर अबू जहल को पत्थर था बोटी बना देते उसको, उसे परवाह नहीं की। अवाइल साहबा में से अरकम, अरकम सफ़ा के पीछे उसकी जगह थी दार, पहला मरकज दावत का मेरे दोस्तों वो दार रकम था। सुनना गौर से, कलमा पढ़ते ही वो दावत देते थे। ये मौलाना कैसे पैदा हो? और मौलाना साहब दूसरी बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि तमाम सहाबा इकराम सहाबियात मर्द और औरतें, एक अजीब फिजा थी बच्चों के अंदर, माँ बाप की हिदायत का शौक था, बीवी के अंदर फिक्र थी कि शौहर कैसे ईमान, ये हम में क्यों नहीं पैदा हो रहा, वरना इसको पैदा करें। ये मैं आप हजरात से कहना है, ये बैतुल्ला में अल्लाह ने हमको इस साल मुजाकरे में दी। मौलवी साहब छोड़ दो, तुम किधर दूसरी दुनिया में, ये बहुत अहम बात हो रही, इसका मसला नहीं है, बैठ जा। दो बातें कही, जो सुनते थे उसको पहुंचाते थे, ये हम में नहीं क्यों नहीं है, और सब में हुजूर सल्लम का जो गम था वो मुंतकिल था। औरत फिक्र कर रही अपनी शोहर की, इकरमा की बीवी ने फिक्र की इकरमा को हिदायत भी, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत भी नहीं, अबू हुरैरा की दावत की वजह से। दावत दी वो गाली बकने लगी तो हुजूर के पास गए, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा फ़खरजत मुस्तबशिरन बिदावत रसूलिल्लाह, उधर जाके नहा रही थी, निकल का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को जब मारा है चेहरा वरम हो गया, माँ को लेकर गए, समझ गए इस हिदायत की कुर्बानी दे दी गई, तो उन्होंने कहा ये मेरी माँ है, दुआ कर दीजिए दावत दीजिए, वही मुसलमान हो, सारा वरम हल्का होगा। मौलाना समझ गया? तो सहाबा इकराम जब दावत पे खड़ा किया, दो सिफत पैदा हुई, सिफत कुव्वत ईमानी, सिफत बला।
अब जो सीखा उस पर अमल हुआ। यार ये कहीं से मतलब इसकी फिक्र छोड़ दो, शाबाश। और दूसरा सिफत बला, फौरन पहुंचाया। तो मौलाना इल्म अमल दावत हर घर में पहुंचा। ये मजलिस से सुन के गए घर में पहुंचाया, बाजार में गए उसको पहुंचा, इस तरह इल्म पहुंचाया। ये जज्बा यहां पैदा नहीं होता, इसको पैदा करना होगा। हमने दाई बनाया नहीं, ईमान में कमजोरी आई, पहुंचाने का जज्बा नहीं है, तो तमाम हदीस पर अमल करना मुश्किल। अभी ये जो हदीस हजरत मैं नहीं कर सक रहा इस पर, अल्लाह मुझे तौफीक। मेरा बड़ा दिल चाहता है ये मेरी बीमारी का इलाज बताया उन्हें, अगर मैं अल्लाह के तकसीम पर राजी हो जाऊं तो मैं आखिर अंदाज बन जाऊं। हर वक्त ख्याल होता है ये कम है ये कम है। गौर से सुनना, कुव्वत ईमानी की वजह से हमारे अंदर ईमानी कमजोरी है तो उस हदीस पर अमल मुश्किल, क्योंकि मौलाना अवामिर इलाही और नवाही गैब से हैं कुरान और हदीस में, और ईमान बिल गैब जब बढ़ेगा ये तकवा है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बी उलाइका हुम तुफ़लिहून। तस्दीक अगर बढ़ गई, ये ईमान जिसमें तकवा आया, ये हुक्मों पर चलाएगा चूंकि गैब से आया, और गुनाहों से बचाएगा चूंकि गैब से आया, ये हमें नहीं है, ये पैदा करना है। हम हदीस को सिर्फ नहीं सुनाना चाहते, हदीस को सुनाकर इस पर अमल कैसे हो और क्यों नहीं हो रहा उसको भी अर्ज करना चाहते हैं। मरज बता देने से मरीज तो घबराएगा, मरज का इलाज दीजिए। अगर हम मुखलिस हैं तो इलाज करेंगे, वरना मियां सुन के कोई बात नहीं भाई। हम सुनिए, ये ईमान बिल गैब बढ़ेगा मौलाना सईद खान समाज दावत से। उन्हें तारीफ की दावत की, निज़ाम गैबी से मुतासिर करने का नाम दावत है। पूरा कुरान हदीस गैब से आया, उसको बयान करो पूरी तस्दीक से, यहाँ तक कि गैब गालिब आ जाए, गैब का यकीन मुशाहदे के इन पर, मुशाहदे के यकीन पर। यही ईमान की मेहनत है। ये तबलीग में कहते हैं निकलो निकलो, इसके लिए निकलना, इसका मौजू हमारा ये है। यहाँ ये अगला मौजू है कि अमल इल्म अल्हम्दुलिल्लाह दिया, और बेफजला अमल भी कुछ ना कुछ है नहीं उन चीज़ों पर जिससे आला दर्जे की जन्नत मिले, और उन फरमाया हराम से बचो, हराम से बचने को फरमाया। ये हमसे बचा नहीं जा रहा, गीबत बड़ी आसानी से, बल्कि हम तो होलसेल गीबत कर देते। सारे ऐसे होते हैं जी काले, तवाब में ऐसे मारते, तुमने काला बोल के पूरी दुनिया आधी दुनिया की गीबत कर दी, जन्नत पे कैसे जाओगे। सारे तालिबे में से होते हैं, सारे उलमा तौबा तौबा क्या बोल रहे हैं हम, सारे भाई क्या बोल रहे हैं, इतनी जुरत इतनी जोर से बोल रहा है, इतनी जबान लंबी, जहन्नम में कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई ब्रेक नहीं, जो चाहो बोलो। जरा सा पैसे का मामला आ जाए ना भाई को देखते हैं ना बाप को देखते हैं, ऐसे बोलते हैं खुदा की पना। एक हमारे दोस्त आए जज के सामने, कह दिया और केस कर दिया मेरे भाई ने, कहा हम ये मेरा भाई नहीं। और सुन, ये माल ऐसी चीज है तो इस पर अमल कैसे हो, झगड़े खत्म कैसे हो। जो आदमी राजी रहे तो दावत देकर गैब के यकीन को गालिब करना, यहां तक के वो जो गैबी अवामिर है उस पर चलना है। ये पूरे हदीस पर अमल करना आसान है। ये दो मैंने बात अर्ज कर दी, अमल कैसे होगा जब गैब का यकीन बढ़ेगा, और दूसरा ये पहुंचाना कैसे होगा जब यकीन आएगा। दावत दोगे तो यकीन भी सिफत बलाग भी, जो सुना उसको पहुंचाओ। अभी जो आपने बात सुनी है आपको 10% याद रह जाए, 5% समझ में आया, अभी घर जाके कहो। यही तालीम जो यहाँ हुई है घर में तालीम करो, फजाले आमाल से आसान। उधर भी हदीस पढ़नी है, ये तो यहाँ उस्ताद बयान करता है ना, वहाँ पर हजरत शेख ने फ़ायदे बयान करे, आप नहीं बयान करेंगे उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं तो कामता हूँ हुजूर सम के फरमान को तो मुहद्दिसीन बयान करते। हजरत बिनोरी रहमतुल्लाह के ज़माने में एक शख्स ने यहाँ जमशेद रोड पर कहीं उसने बुखारी का दर्द शुरू कर दिया। हजरत गुस्से हो गए कि तुम बुखारी दर्द दे रहे और लोग बुखारी का दर्द सुन रहे, तुमने बुखारी की अहमियत गिरा दी। ऐसे कहते बुखारी को कौन हाथ लगाए, 50 साल हदीस पढ़ाने के बाद बुखारी हाथ में आती। हमारे जो अकाबिर हैं नंबर वार उनका नंबर आया, अभी पता नहीं अभी किनका नंबर है। शेखुल हदीस बनना आसान। हजरत शेख रहमतुल्लाह ने पैसे नहीं लेते थे, 5 रुपये लेते थे, ताकि ये ना कहे मैंने बगैर पैसे का पढ़ाया, ताकि ये भी नफ्स बिगड़ नहीं जाए।
तो ये सुनने का बड़ा मकसद है, खुदा के लिए पाबंदी करना। शुक्र अदा कीजिए आप ऐसे माहौल में, या आज तो मैंने लंबा कर दिया, रोज़ाना मुख्तसर होता 5-7 मिनट, ध्यान से सुनो, जो सुना उसको जाकर दुकान पे गए, बाजार में गए, यार आज अजीब हदीस सुनी, आज अजीब बात सुनी, आज अजीब बात सुनी, घर में जाकर कहा आज अजीब बात सुनी, टेलीफोन पे कहा भाई बात सुनो यार आज मैंने अजीब हदीस सुनी। पहले ज़माने में ईमेल जाता था ना, तो पहले वो ये हदीस बयान करता फिर कहता ईमेल की बात करो। अब पूरी दुनिया में जा रही है, हम लोगों ने नया क्या चला दिया, बयान सुना उसमें आया है उसको फॉरवर्ड किया, खुद नहीं सुना। कहा मौलाना आपके बयान को मैंने 1,00,000 जगह मुंतकिल कर दी, आपने सुना? बोला नहीं। आगे उसने भी नहीं सुना, वाह मुतमिन हो गए, 1,00,000 जगह पहुंच गया, हवा में गई। क्या मुसीबत लगाई, देखो क्या रुख को बदला है, क्या बुनियादों को हिलाया है, हमारे दोस्त अब मुआविन बन गए ना। हदीस पे तो अमल जब होगा जब तस्दीक बढ़ेगी। देखो अच्छी तरह सुनना, कागज यकीन ईमान की जगह नहीं, दिल को वनमान फिर कलूबी को भी है। हुजूर सलम कल्ब की तस्दीक के साथ बोलते थे, सिद्दीक अकबर ने पूरी तस्दीक से सुना, उनके कल्ब के अंदर ही हदीस उतरा, ईमान का इतना दर्जा ऊपर गया कि पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ, सिद्दीक अकबर का ईमान एक तरफ हो गया, ये कहा जा रहा है ये हदीस में। पहले मौलाना इसकी मश कराइए, रोजाना थोड़ा थोड़ा बात करके कि दिल की तस्दीक बढ़े। अदब से सुनना है, ताज़ीम से सुनना है, दोजानू हो के सुनना है। हदीस के सबक में फरमाया ऐसे बैठो जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आकर बैठे, ऐसे ना बैठो जैसे इस्तिंजे में बैठते हैं, अदब के ख़िलाफ़ है। हज़रत बिनोरी, हज़रत मुफ्ती वली हसन साहब बहुत गुस्से हो जाते थे हदीस के सबक में कोई टेक लगा लो, मजबूरी बीमार का बड़ी उम्र का कोई हर्ज नहीं, जवान फरमा टेक मत। अब ये थोड़ी देर होता है ना आपके यहाँ, तो उसमें ज़रा अदब से बैठ के देखो, ऐसा नूर आएगा आप हैरान हो जाएंगे। कोशिश किया करो आगे बैठने, हमारे जो तालिबे पहली सफ में होते हैं ना बैठ, हमारे ज़माने में तो एक ही सफ थी बनाना 35-40 लड़के, अब पता नहीं 500 बोले। उस्ताद सामने देखता था कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, क्या मज़े होते थे, हज़ारों हदीसें। काल अल्लाह, मैं हम जब बुखारा समरकंद गए तो इतना मैंने कहा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, रोने लगे, अभी हदीस नहीं पढ़ी वो रो रहे। हम लोग कहते हैं ये वो लोग मुलिद हो गए, तौबा कर अपनी ईमान की खबर ले, सिर्फ हमने काला काला रसूलुल्लाह पढ़ा नहीं इससे पहले वो रोना शुरू कर। मेरे पास गिराफ काबा था, मैं पता नहीं कैसे उनको दिखाया, उनकी चीखें निकल गई, अजीब कैफियत हो गई, उन तस्वूर भी नहीं था कि हमारे दादा 50 साल पहले पैदल गए, आज ये लेकर आए। मैंने कहा मेरे पास ये है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आप चले जाओ किर्गिस्तान, पहले 5% नौजवान नजर आते थे, 95% बूढ़े, आज 95% नौजवान है, 5% बूढ़े नजर आते, इतना इनकलाब है, बड़ा अजीब। तलबा नौजवान सुन्नत के मुताबिक टोपी पहनी हुई है, एक रूहानी फिजा है, जैसे मदरसे की रूहानी फिजा उधर भी ऐसे देखो। तो मेरे दोस्तों हदीस पाक को रोज़ाना सुनना है, अदब के साथ यकीन के साथ और अमल की नीयत से, और फौरन उनको पहुंचाना। आप 8 दिन करके देखें, और अगर मैं अपनी मशक करनी है तो अल्लाह के रास्ते में जाने की नीयत करनी, तबलीग में जाओगे आपको 24 घंटे का दीन सिखाएंगे, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे, पहनना कैसे, इतनी बड़ी बड़ी बात तो जहन में, मोटा मोटा दीन नहीं, उल्टे हाथ से पानी पीना बिस्मिल्लाह के बगैर। मौलाना फरमाते थे बिस्मिल, पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह कहते हैं, चाय पीते हुए बिस्मिल्लाह भूल जाते। मैं भाई गुलाम उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, मैंने कहा फ्रूट खा ले, जब मैंने खाया बिस्मिल्लाह, पढ़ बिस्मिल्लाह ऐसे जोर से, आदाब में तो बोलते नहीं हैं, जोर ऐसे लगाया कि अभी तक मेरे कान में आवाज़ आ रही, पढ़ बिस्मिल्लाह। भाई वाह, ये मोहब्बत की हद हो गई, हमें गुस्सा नहीं है अब तो। हुजूर की तो आदत थी हाथ पकड़ लेती कि मेरे हाथ में 2 हाथ है, एक शैतान का हाथ, बगैर बिस्मिल्लाह खा रहा। ये दीन सीखना पड़ेगा, दीन सीखने के लिए वक्त निकालना होगा। आपके पास टाइम नहीं है, कारोबार है तो 3 दिन के लिए चले जाओ, थोड़े दिन के लिए चले जाओ, और जब तबीयत चले तो छुट्टी लेके ज़्यादा लेके जाओ, फिर पूरा दीन आ जाएगा, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। मैं हैरान हूँ डॉक्टर इंजीनियरों के बच्चे आलिम बन रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हुआ मैंने ज़िंदगी ज़ाया की, अब मैं अपने बच्चे को तो आलिम बनाऊँ।
पूरा कमा के उस बच्चे पर खर्च करें, मुझे कोई तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह खिदमत करूँगा, तुम आलिम बन जाओ, तुम खुदा के रास्ते में निकलो। मैं दिल चाहे पूरी दुनिया में काल अल्लाह काल रसूल फैले। माँ बाप देखो ये ज़िंदगी का फैसला आसान नहीं है, अगर उनके दिल में अजमत ना होती कैसे बनाते। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह से किसी ने कहा, हज़रत आप तो अल्लाह वास्ते खाते हैं। बोला मैं शुक्र करता हूँ मैं अल्लाह वास्ते खाता हूँ, तुम दुकान वास्ते खाते हो, बताओ कौन सा वास्ता अच्छा है। अल्लाह वास्ते खा रहे रोटियाँ तोड़ेगा ऐसे बोलते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है ये सारी दुनिया इनके कदमों में आएगी, ये तो शुक्र है अल्लाह ने बचा के रखा। तो बताओ भाई इस हदीस पर अमल करने के लिए कौन तैयार है, इसको पहुँचाने के लिए कौन तैयार है, और अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कौन तैयार है। जो तैयार है अपने दिल में नियत करो, 3 दिन 40 दिन साल, ज़रा अपनी जगह पर सिर्फ खड़े हो, नाम नहीं लिखूँ कौन कौन तैयार है, खड़े हो, मैं 3 दिन दूंगा मैं चिल्ला दूंगा, मैं तालिबे इल्म खड़े हो मैं छुट्टियों में चिल्ला दूंगा, अभी 1 दिन दूंगा छुट्टियों में, आपके यहाँ जमा जाती। देखो सब तैयार, कोई तैयार करने वाला हो यार, ये जो बैठे इनको जन्नत नहीं चाहिए तो फिर मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, बात सुन लो मिलेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। माशाल्लाह बोलो, अल्लाह तशरीफ़ रख लो, वह इतनी सी बात है बस, क्या मसला है। आप भी तैयार हैं, शाबाश। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाह बिहम्दी का अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु اللهم اغفرك واوسع من ذنوبنا اللهم اغفرك واوسع من ذنوبنا ورحمتك हमारे कल्ब को पाक फरमा दे। अल्लाह ये हदीस का नूर कुरान का नूर अल्लाह हमारे दिल में आ जाए, और अल्लाह हमारे ख्वाहिशात के जज्बात गुनाहों के जज्बात अल्लाह इसको निकाल दे, आफियत के साथ अल्लाह नूरानी बना दे। अल्लाह जिनकी आँखों में शावतें हैं वो कुरान नहीं समझ सकते, कुरान भूल जाते हैं, और अल्लाह हमारे दिल दिमाग से आँखों से अल्लाह नूरानियत पैदा फरमा दे, अपने अवामिर का नूर हमारे अंदर, अपने नबी के हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का नूर हमारे दे, कुरान का नूर हमें अता फरमा, हमारे पूरे जिस्म को नूरानी बना। अल्लाह फिर ये नूर अल्लाह क़यामत के दिन हमें अल्लाह हमें जन्नत की तरफ ले जाए। अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हशर फरमा, अल्लाह इस सारे मजमे को कबूल फरमा, सब हम सब पे गुनाहों को माफ़ फरमा, सबकी तंगियों को पूरी उम्मत की तंगियों को दूर फरमा, कर्ज़ों को आफियत से अदा करा, मकानों जिन जिन के जो मसले जायज़ अल्लाह तू जानता है अपने करम से पूरा फरमा, बीमारों को कामिल शिफा दे। अल्लाह इस मदरसे में और जितने मदारिस हैं सबकी ज़ाहरी बातनी हाजतों को गैब से पूरा फरमा, किसी का मोहताज ना फरमा, इस्तग़ना के साथ चलने की तौफीक, तक्वा पैदा फरमा, तवक्कुल वाले पैदा फरमा, इखलास वाले पैदा फरमा, अल्लाह इस्तग़ना मुस्तग़नी लोग पैदा फरमा, पहले दौर के जो गुजरे अल्लाह इस तरह के लोग फिर पैदा फरमा दे। उम्मत भूखी है, उम्मत प्यासी है, ऐसे लोगों को देखने को अल्लाह ऐसे मुक्तदा पैदा फरमा जिससे उम्मत उनके पीछे चले, नमूना बने। अल्लाह पूरी हुदूसम की इत्तिबा में चलने वाले ज़ाहिर और बातिन एक हो हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह मदारिस की हिफाजत, तमाम बातिन स्कीमों को फेल फरमा, उस अल्लाह हरमैन का पहुँचना आसान फरमा, हरमैन के दरवाजे खोल दें, तमाम दुनिया में हरमैन और अल्लाह मसाजिद मकातिब खानकाएँ दावत के ठिए मदारिस मकातिब शहर में हो या गाँव में मुल्क में हो या बर आज़म में सबकी अल्लाह हिफाजत फरमा, सबको अल्लाह आबाद फरमा, तमाम नौजवानों के दिलों को रुजू फरमा दे, दिलों में डाल दे कुरान हदीस सीखने का, उनके दिल में अजमत पैदा फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में नूरानियत पैदा फरमा और उनके दिल में हर एक की कदर नसीब कर। अल्लाह दीन के दाई पैदा फरमा, औरतों को मर्दों को इस काम के लिए कबूल फरमा, अरब अजम को सहाबा इकराम के औलादों को हुदूस अजम के ख़ानदान वालों को अल्लाह अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह हरमैन की मौत अपने करम से, इज्तिमा को कामयाब फरमा, जोड़ों को कामयाब फरमा, जिन हजरात ने नीयत की इनका पहुँचना आसान फरमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही, हमारे मौलाना इनकी उम्रों बरकत नसीब, इखलास अता फरमा, कबूलियत नसीब, इल्म में बरकत दे, खूब सीना खोल दे, खूब खल्क़े खुदा को
خلق خدا میں نفع کو عام فرما دے. وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد برحمت کا معاف کرنا.